हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। आपका आप ही के चैनल में स्वागत है। जी हाँ, तो आज हम बात करेंगे एक यूनिवर्सिटी के बारे में। जैसा आपके सामने है, AKS यूनिवर्सिटी है जो कि सतना मध्य प्रदेश में सिचुएटेड है। तो आज हम इस यूनिवर्सिटी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत और आपको बताते हैं आज के टॉपिक के बारे में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप इस चैनल पर नए हैं या इस तरह की रेगुलर वीडियो चाहते हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा जो ये वीडियो है वो पेड प्रमोशनल नहीं है। अगर आप इस यूनिवर्सिटी में एज ए फैकल्टी या स्टूडेंट ज्वाइन करते हो तो जो भी यूनिवर्सिटी के टर्म एंड कंडीशन है उनको आप फॉलो करके ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप किसी अनदर पर्पस जैसे एडमिशन, किसी अनदर यूनिवर्सिटी, कॉलेज, एजुकेशन से रिलेटेड डिटेल चाहते हो तो इस वीडियो के एंड में डिस्क्रिप्शन में आपको एक फॉर्म का लिंक मिलेगा, उसे आपको क्लिक करना है। उसमें आपको अपना नेम, कॉन्टेक्ट नंबर, पर्पस ऑफ इंक्वायरी वो सबमिट करना है और जैसा या जितनी जल्दी पॉसिबल हो पाएगा हमारी टीम आपको रिस्पॉन्ड करेगी जी, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप कोई भी डिटेल एजुकेशन से रिलेटेड ले सकते हैं जी। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। AKS यूनिवर्सिटी है जी हाँ, स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, मध्य प्रदेश में सिचुएटेड है। अकॉर्डिंग टू डाटा UGC लिस्ट के अकॉर्डिंग 2011 में ये यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश हुई और आप बाकी इसका एड्रेस देख सकते हैं विकिपीडिया अनुसार। यही इन्फॉर्मेशन थी। आगे हम वेबसाइट पे चलते हैं। वेबसाइट में आप देख सकते हो यूनिवर्सिटी का नेम वगैरह है, ऑनलाइन एडमिशन का लिंक है और पोर्टल लॉगिन सोशल लिंक दिया गया है। नीचे आप आओगे होम, अबाउट अस, एकेडमिक, एडमिशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, R&D, प्लेसमेंट, करियर और न्यूज़ एंड मीडिया जी। तो नीचे आप आओगे तो यहाँ पे ये डिटेल है। 100 एकड़ में फैला कैंपस है ट्रांसपेर और इसमें यहाँ पे 51 प्रोग्राम है और यहाँ पे ये कुछ डिटेल्स दी गई है, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद PhD से रिलेटेड यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई है और यहाँ पे कोर्स के बारे में, फीस के बारे में, स्टूडेंट टेस्टिमोनियल्स और अप्लाई एडमिशन के लिए आप कर सकते हैं। नीचे आप आओगे तो यहाँ पे आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हो, एप्लीकेशन लिंक है। और क्यों चूज करें ये यूनिवर्सिटी, तो इससे रिलेटेड यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई है, वो चाहे यूनिवर्सिटी डिफरेंस से है, इंडस्ट्री से है, इंफ्रास्ट्रक्चर, अवार्ड एंड टाई अप, स्पिरिचुअल स्टडीज और या फॉरेन टूर। उसके बाद यूनिवर्सिटी पिक्चर आप देख सकते हैं और बाकी क्या क्या यूनिवर्सिटी की फैसिलिटीज़ हैं वो इन्फॉर्मेशन दी गई है। स्पोर्ट्स से रिलेटेड हॉस्टल, इंटरनेट, ट्रांसपोर्ट, लाइब्रेरी और ऑडिटोरियम जी। और यहाँ पे स्टाफ की जो संख्या यहाँ पे बताई गई है वो 500 से ज़्यादा है और जो स्टूडेंट की है वो 8,000 से भी ज़्यादा। कोलेबोरेशन है 15+ इंडस्ट्री से ज़्यादा है, तो ये आप देख सकते हैं। उसके बाद यूनिवर्सिटी की हिस्ट्री के बारे में बताया गया है। नीचे आप आओगे तो यूनिवर्सिटी के बारे में और अदर लिंक दिए गए हैं, यूनिवर्सिटी का एड्रेस, ऑफिशियल नंबर और ऑफिशियल ईमेल एड्रेस दिया गया है, तो ये आप देख सकते हैं। ऑनलाइन एडमिशन पे आके आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप आपको फॉर्म फिलअप करना है रिलेटेड टू कोर्स और उसके बाद जो फीस पेमेंट है वो करनी है। तो ये आप देख सकते हैं, ऑनलाइन फॉर्म आप फिलअप कर सकते हो। यहाँ पे जनरल इंफॉर्मेशन पहले आपको ये फिल करने के बाद बाकी जो इंफॉर्मेशन है वो आपको कंप्लीट करनी है, उसके बाद आप पेमेंट वगैरह कर सकते हैं जी। तो ये आप देख सकते हैं। सेंटर हेड, अगर आपने इस यूनिवर्सिटी का सेंटर लिया हुआ है तो यहाँ पे कोड, अदरवाइज एज ए स्टूडेंट हो तो उसके थ्रू आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और यहाँ पे अबाउट अस में आते हैं तो अबाउट अस में आप देखेंगे तो यूनिवर्सिटी के बारे में है, विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव, यूनिवर्सिटी प्रोफाइल, तो ये आप देख सकते हैं। उसके बाद ट्रस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन अगर आप चाहते हो तो यहाँ पे आप रीड आउट कर सकते हैं। और कौन कौन सी अप्रूवल है यूनिवर्सिटी के पास अगर आपने देखनी है तो यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं। पहले है जो गवर्नमेंट से मिली, जो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट से अप्रूवल है, उसके बाद UGC की, AICTE की जी हाँ, टेक्निकल कोर्सेज के लिए,
फिर है ICAR एग्रीकल्चर और NCTE के लिए एजुकेशन कोर्सेज से रिलेटेड, PCI फार्मेसी कोर्स से रिलेटेड, जी हाँ पैरामेडिकल कोर्सेज से रिलेटेड, तो ये आप देख सकते हैं। उसके बाद DGMS माइनिंग इंजीनियरिंग से रिलेटेड और BCI बार काउंसिल लॉ कोर्सेज से रिलेटेड, तो ये आप देख सकते हैं। उसके बाद मैनेजमेंट के बारे में जानना है तो जैसे यहाँ पे चांसलर मैसेज है जो कि है BP सोनी जी, और वाइस चांसलर की बात करें तो यहाँ पे ये मैसेज दिया गया है, तो ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, यहाँ पे बताया गया है, तो ये आप देख सकते हैं। उसके बाद चेयरमैन मैसेज, जी हाँ तो उनकी आप यहाँ पे डिटेल देख सकते हैं जो कि आनंद कुमार सोनी जी हैं, और एडवाइजर अथॉरिटी की पूरी लिस्ट अगर आपने चेकआउट करनी है कि नेम ऑफ पर्सन, उसके को कौन कौन सी पोजीशन मिली हुई है और उनका कॉन्टेक्ट नंबर, तो आप यहाँ पर आके देख सकते हैं। ऑफिसर ऑफ यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी में कौन कौन से जो हाई अथॉरिटी पे हैं उनका नेम, उस उनकी एक क्वालिफिकेशन, तो ये पूरी डिटेल यहाँ पे दी गई है। और फिर MOU एंड कोलेबोरेशन की डिटेल आप चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद हिस्ट्री अगर आपको जाननी है यूनिवर्सिटी की तो यहाँ पे आके पढ़ सकते हैं। जी और उसके बाद ऑर्डिनेंस या कोई एक्ट बिल पास हुआ है तो ये आप डाउनलोड कर सकते हैं, और अगर स्टूडेंट ग्रीवियंस के लिए अप्लाई करना चाहता है तो यहाँ पर आके आप देख सकते हैं। अभी ये अंडर कंस्ट्रक्शन है पेज। जी हाँ एकेडमिक में आते हैं कौन कौन से डिपार्टमेंट है, जैसे फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फैकल्टी ऑफ बेसिक साइंस, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स एंड फाइनेंशियल स्टडीज, फैकल्टी ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड IT एंड साइंस, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन, फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, फैकल्टी ऑफ लॉ, फैकल्टी ऑफ लाइफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडी, फैकल्टी ऑफ पैरामेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज, तो ये आप देख सकते हैं। उनमें यहाँ पे डिपार्टमेंट दिए गए हैं तो ये आप चेकआउट कर सकते हैं। जैसे एजुकेशन में अगर हम क्लिक करते हैं तो उनका ओवरव्यू, विजन, मिशन और कौन कौन से कोर्स है, जैसे यहाँ पे BEd, DLEd और MA एजुकेशन में। उसके बाद यहाँ पे लैब के बारे में, अचीवमेंट, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बताया गया है। ठीक, अगर आप किसी अनदर डिपार्टमेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहते हो या कोर्स के बारे में, जैसे यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया गया है BCom के बारे में और MCom और PhD, जी तो ये आप देख सकते हैं। ऐसे ही लोगों के बारे में अगर आपको जानना है तो यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। इंटीग्रेटेड कोर्स है BA, BCom, BBA प्लस LLB, फिर LLB और LLM, जी LLM से रिलेटेड यहाँ पे डिटेल दी गई है, तो यहाँ पे आप कोर्स वाइज डिटेल ले सकते हैं। फिर है एडमिशन, अगर आप CUET 2023 से रिलेटेड डिटेल चाहते हो तो यहाँ पे आप आके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। उसके बाद सर्च योर कोर्स, अगर आपको कोई भी कोर्स करना है तो यहाँ पर आके आप सर्च कर सकते हो। कौन कौन से प्रोग्राम के बारे में अगर आपको जानना है तो यहाँ पर आके आप, जैसे ग्रेजुएशन बेसिस पे, पोस्ट ग्रेजुएशन पे, डिप्लोमा बेसिस पे और PhD बेसिस पे, तो ये आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन दी गई है। उसके बाद फी स्ट्रक्चर अगर आपने चेकआउट करना है तो डाउनलोड कर सकते हो। और उसके बाद स्कॉलरशिप के बारे में जानना है कि स्कॉलरशिप मिलती है, नहीं मिलती, मिलती है तो किस बेस पर कितनी है, और किस किस तरह की जो स्कॉलरशिप है यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है, और स्कीम एंड सिलेबस के बारे में अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, जैसे ऊपर BTech, फिर डिप्लोमा, MTech, और यहाँ पे पैरामेडिकल, कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड, कॉमर्स से रिलेटेड अकॉर्डिंग टू डिपार्टमेंट वाइज। उसके बाद सिटी ऑफिस आगे यूनिवर्सिटी का कहाँ पर है, तो यहाँ पे सिटी ऑफिस, एड्रेस, कॉन्टेक्ट नंबर और जो पर्सन है जो हैंडल करेंगे या जो मेन हेड है तो उनसे रिलेटेड आप बात कर सकते हैं। फिर यूनिवर्सिटी सेल के बारे में अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कौन कौन से सेल हैं, तो उनके बारे में आप इन्फॉर्मेशन यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं।
और एकेडमिक कैलेंडर अगर आपको डाउनलोड करना है, चेकआउट करना है, तो यहाँ पर आके आप डाउनलोड कर सकते हैं। फिर यहाँ पे है यूनिवर्सिटी की तरफ से क्या क्या फैसिलिटी है स्टूडेंट को, जैसे लैब की है, लाइब्रेरी, ऑडिटोरियम एंड कॉन्फ्रेंस हॉल, हॉस्टल, स्पोर्ट्स एंड रिक्रिएशन, ट्रांसपोर्ट, हेल्थ केयर, इंटरनेट, और भी 360 वर्चुअल टूर, और भी कई तरह की। तो ये आप देख सकते हैं, जैसे मान लो हॉस्टल के बारे में जानना है या ट्रांसपोर्ट के बारे में, तो क्या क्या फैसिलिटी हैं, तो ये आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं जी। तो यहाँ पे बेसिक जानकारी दी गई है, तो ये आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद R&D, तो यहाँ पे आप जनरल से रिलेटेड, रिसर्च एक्टिविटी से रिलेटेड आप इंफॉर्मेशन चेकआउट कर सकते हैं। प्लेसमेंट के बारे में जानना है, ओवरव्यू, इंफ्रास्ट्रक्चर, रिक्रूटर लिस्ट, तो ये सब यहाँ पे दिया गया है, तो यहाँ पे आप आके चेकआउट कर सकते हैं। और उसके बाद है करियर के बारे में, कि अभी एट टाइम यूनिवर्सिटी में एज ए फैकल्टी, टीचिंग, नॉन टीचिंग बेसिस पे अगर कुछ पोस्ट अवेलेबल है तो यहाँ पर आके आप चेकआउट कर सकते हैं। फिर है न्यूज़ एंड मीडिया से रिलेटेड, अगर आपको यूनिवर्सिटी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन कुछ चाहिए या डाउनलोड करना है, तो यहाँ पर आके आप चेकआउट कर सकते हैं। और नीचे आप आओगे तो यहाँ पे जो MP गवर्नर वेबसाइट है, मार्कशीट वेरिफिकेशन अगर आपको करना है, जॉब के बारे में जानना है, या फी स्ट्रक्चर अगर आपको डाउनलोड करना है, कॉन्ट्रेक्टर्स और डिस्क्लेमर वगैरह, ये सब यहाँ पे दिया गया है। तो इसमें अगर आपको मार्कशीट वेरिफिकेशन करनी है, तो सीरियल नंबर और अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है, जिससे आप वेरिफिकेशन कर सकते हैं। और कॉन्ट्रेक्टर्स में जाकर जो भी यूनिवर्सिटी का एड्रेस है, ऑफिशियल नंबर है, और जो भी सिटी ऑफिस एड्रेस है, उनसे आप डिटेल ले सकते हैं। बाकी अगर आपको डायरेक्टली यूनिवर्सिटी के बारे में जानना है या कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन लेना है, तो यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर है, ऑफिशियल मेल आईडी है, तो आप यहाँ पे कॉल करके नंबर पे आप जो भी डिटेल है ले सकते हैं जी। तो ये थी बेसिक डिटेल आज के टॉपिक से रिलेटेड। होप सो ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर आप कर सकते हैं। कुछ पॉइंट अगर मिस रहा तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के एंड में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। आज के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।